तुलसीदास जी आंखों में अश्रु लिए हाथ जोड़े एक वट वृक्ष पर रह रहे प्रेत से कह रहे हैं, आप हमें बताइए कि मैं कैसे अपने आराध्य श्री राम के दर्शन कर सकता हूं। प्रेत ने चौंकते हुए कहा, प्रभु श्री राम के दर्शन? परंतु ये कार्य तो केवल हनुमान चंद्र जी ही करवा सकते हैं। ये सुनकर तुलसीदास जी झटपट बोल पड़े, तो ठीक है, आप हमें हनुमान जी से ही मिलवा दो। तो कौन सी कहानी है ये और कब की बात है, इसे जानने के लिए हमें कई सदियों पहले जाना होगा। अपने जीवन में तब तुलसीदास जी आज की तरह महाकवि के नाम से नहीं जाने जाते थे और आज की तरह उतने विख्यात भी नहीं थे। सरल और सहज तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम किया करते थे। तो हुआ ये कि एक बार रत्नावली कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई, लेकिन तुलसीदास जी को अपनी धर्मपत्नी रत्नावली से यह विरह सहा नहीं गया और वे विरह की अग्नि में जलने लगे। अंततः दिन रात की सुध-बुध खोकर वे देर पहर अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर से निकल पड़े। उस रात भारी बारिश हो रही थी, चारों ओर तूफान सा हाहाकार मचा था। वहीं उनकी धर्मपत्नी रत्नावली का घर नदी के दूसरी ओर के एक गांव में था, लेकिन तुलसीदास के मन में उठ रहे विरह की अग्नि के सामने ये नदी ये तूफान मायने नहीं रखता था। नदी के पास कोई नाव नहीं थी, तब उनको वहां किनारे पर कुछ तैरता हुआ नजर आया। उस चीज को नाव समझकर तुलसीदास उस पर बैठ गए और जैसे तैसे उन्होंने तेज बारिश में वो नदी पार की। लेकिन जिसे वो एक नाव समझकर नदी पार कर गए थे वो दरअसल में एक लाश थी जो नदी में तैर रही थी। महीन नदी पार कर तुलसीदास अपनी पत्नी के घर पहुंच गए और घर का द्वार खटखटाया, लेकिन दरवाजा बार बार खटखटाने के बाद भी नहीं खुला। पत्नी दूसरी मंजिल पर सोती थी, इसलिए तुलसीदास घर के पीछे जाकर दूसरी मंजिल पर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उन्हें एक मोटी रस्सी दिखाई दी, वो उस रस्सी से चढ़कर ऊपर आ गए और सीधा अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच गए। पत्नी अपने स्वामी को देखकर हड़बड़ा गई और बोली, इतनी रात इस तूफान भरी बारिश में और वो भी ऊपर, आप कैसे आए? तुलसीदास रत्नावली से बोले, रस्सी पकड़कर। पत्नी ने देखा, रस्सी नहीं, वहां बाहर एक सांप लटक रहा था। तुलसीदास की पत्नी बड़ी विदुषी थी, अपने स्वामी के अपने लिए इतनी अथाह आसक्ति देखकर रत्नावली बड़ी लज्जित हुई, इसलिए उन्होंने तुलसीदास को ताना देते हुए कहा, पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए, मैं तो जागी परंतु आप अभी तक सोए। त्यागो काम राम नाम की भक्ति करो, निर्मल सी गुण गाया करो सीता राम जी के। रत्नावली ने अपने पति तुलसीदास से जो कहा उसका अर्थ है, मैं तो कब की जाग चुकी, परंतु स्वामी आप अब तक माया के मोह में सोए हैं। हे नाथ, मेरी देह से जितना प्रेम करते हो इसका आधा प्रेम भी यदि प्रभु श्री राम जी से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। अगर आप राम सीता जी के गुण गाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आराध्य के चरणों में आपको यह समस्त संसार मिल जाएगा। पत्नी की यह बात तुलसीदास जी के हृदय में उतर गई और वे भाव विभोर हो गए, उनके नेत्रों में अश्रु भर आए और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी रत्नावली को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, तुमने हमें ज्ञान दिया है, तुमने हमें भगवान से जोड़ा है, तुमने हमें अपने आराध्य से मिलने की राह दिखाई है, हे रत्ना धन्य हो तुम। राम दरस बिनु बड़े न चैना, नैना लागे बरसत। तब से लेकर चारों ओर हर दिशा में
तुलसीदास अपने श्री राम को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्हें तो केवल प्रभु राम की चाहना है। अपने प्रभु श्री राम को पाने के